डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। फॉल 2024 के लिए क्या राइट टाइम होता है अपनी एप्लीकेशंस शुरू करने का यूएस यूनिवर्सिटीज के लिए? दिस इज द राइट टाइम। हम सबको पता है कि पिछले मंथ से फॉल 2024 के लिए एप्लीकेशंस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, मार्च तक यूनिवर्सिटीज अवेलेबल रहेंगी तो हमको फेब में याद आता है कि हमें एप्लीकेशन शुरू करनी है। उसके बाद हम आईएलटीएस या ड्यूलिंगो के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर हम एप्लीकेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका ऑफर भी डिले हो जाता है और आपके वीजा प्रोसेस में भी डिले आता है। तो आपका प्रोसेस स्टार्ट करने का दिस इज द करेक्ट टाइम। मिड ऑफ जनवरी तक आप ट्राई करें कि आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कंप्लीट करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें, ताकि आपको टाइमली ऑफर आ जाए, टाइमली आप वीजा ले सकें। उसके लिए जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, मार्कशीट्स हो गई, डिग्री वगैरह हो गई, या आपका SOP LOR हो गया, ये आपको अभी से अरेंज करनी शुरू कर देनी चाहिए। विंटर वेकेशन के बाद जैसे ही आपके कॉलेज स्कूल ओपन होंगे, आप फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर दें, ताकि मिड ऑफ जान तक आपको आपके डॉक्यूमेंट्स हाथ में मिल जाएं और आप अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। तो ये था हमारा टाइमलाइन कि कब हमें फॉल 2024 के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना है। अब हम सबको पता है कि एप्लीकेशन तो ऑलरेडी ओपन है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट अगर इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं, आप उसे एप्लीकेशन 02@meridian.org पे भेज दीजिए, या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग लेने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, या अगर आप मिलकर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारी किसी भी ब्रांच पे भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और यूजफुल वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।